वेलकम टू सी एस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे फ्रेम्स एल्गोरिथम। इसका यूज हम लोग करते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट करने के लिए। तो पहले अगर हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री की बात करते हैं, तो स्पैनिंग ट्री वो ट्री होता है जिसमें क्या होता है हमारा, जिसका वेट जो होगा वो सबसे कम होता है। स्पैनिंग ट्री अगर हम सिंपल स्पैनिंग ट्री की बात करते हैं, तो स्पैनिंग ट्री वो ट्री होता है जिसका अगर हम लोग इसमें स्पैनिंग ट्री क्रिएट करें, तो ये क्या है हमारा, एक स्पैनिंग ट्री है जिसमें कभी भी साइकिल नहीं बनेगी और इनका जो वेट होगा वो भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो उसको बोलते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अगर वेट इसका कम होता है, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4 है और आपने लिया है 1, 2, 3, तो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। स्पैनिंग ट्री तो बहुत सारे बन सकते हैं, बट ये मिनिमम है क्योंकि इसका वेट सबसे कम रहेगा अगर हम कितने भी स्पैनिंग ट्री इसमें क्रिएट कर लें। तो वही हमारा स्पैनिंग ट्री होता है। तो इसको निकालने के हमारे डिफरेंट एल्गो होती हैं, जिसमें इससे पहले ट्यूटोरियल में हमने पढ़ी थी क्रुस्कल एल्गोरिथम। यदि आपने वो नहीं देखी हो तो आप एक बार उसे भी देख लें, क्रुस्कल एल्गोरिथम में कैसे हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट करते हैं। आज हमारा है प्रिम्स एल्गोरिथम। तो इसके भी डिफरेंट स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें भी वही है जो आपका क्रुस्कल एल्गोरिथम का था। अगर कहीं पर लूप आता है आपका, तो उसे पहले आपने रिमूव करना है। तो सिंपल अगर लूप की बात करते हैं, लूप क्या होता है, जो स्टार्ट भी उसी एज से हो रहा है, उसी वर्टेक्स से हो रहा है और एंड भी उसी वर्टेक्स पे हो रहा है। तो अगर ऐसा कहीं पर वर्टेक्स मिल रही है, तो उस वर्टेक्स को आपने सबसे पहले रिमूव कर देना है। तो पहला स्टेप आपका वही है जो आपका क्रुस्कल का था। सेकेंड स्टेप भी वही है कि अगर कहीं पर पैरेलल एज है, पैरेलल एज का मतलब है वो स्टार्ट उसी एज से हो रही है और एंड भी उसी दूसरे एज पे सेम एज हो रही है, यानी सी से ही स्टार्ट हुआ और ई पे कंप्लीट हो रहा है। जैसे 3 भी आपका सी से स्टार्ट हुआ है और ये 8 भी आपका क्या हुआ है, सी से स्टार्ट हुआ है और ई पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो ये पैरेलल एज होती है, इसे भी क्या करना है आपने, रिमूव करना है। अब रिमूव किसे करना है, जिसका वेट जो है वो ज्यादा है। तो हम यहां पर रिमूव करेंगे किसको, इस 8 वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, यहां से रिमूव कर देंगे। तो दो स्टेप आपके ये फॉलो होंगे। और भी अगर कहीं पर आपको यही चीज दिख रही है, तो वो सब क्या करना है आपने, रिमूव करना है। थर्ड स्टेप ये होता है क्रुस्कल एल्गोरिथम में, तो हम लोग मिनिमम लेके चलते थे, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप कोई भी एक वर्टेक्स को क्या करते हैं, एज अ फर्स्ट रूट वर्टेक्स जो है वो काउंट कर सकते हैं। कोई भी वर्टेक्स, वो ए ले लें, बी ले लें, सी, इनमें से किसी भी एक को आप क्या कर सकते हैं, एक रूट वर्टेक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ए को ही क्या बनाते हैं, रूट वर्टेक्स बनाते हैं। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब इसकी आउटगोइंग एजेस देखेंगे हम कितनी है। तो इसकी दो एजेस हैं, अगर ए की बात करें तो ए पे दो आउटगोइंग एजेस हैं, एक आपकी है ए बी और एक है आपकी ए सी। तो उसमें से आपने स्टार्ट करनी है जो मिनिमम वाली आपकी एज होगी। तो इन दोनों में से मिनिमम जो है वो 7 वाली है, तो ये चला जाएगा आपका बी के पास। अभी हमारे पास जो एज बची है वो बची है आपकी 8 बची है, यानी ए से सी बची हुई है। तो इसे भी आप आगे जब फॉलो करेंगे बी से, आप बी से एज देखेंगे, तो इस 8 वाली को फॉलो करना है, उसमें से आपने मिनिमम को काउंट करना है। अब बी की आउटगोइंग एजेस की बात करें, तो एक ये है बी सी और एक बी डी है। तो हमारे पास 3 आउटगोइंग एजेस होगी, 3 और 6, और ये 8 तो पहले से रहेगी, जो ए की अपनी आउटगोइंग एज थी वो भी हम लोग काउंट करके चलेंगे, उसे छोड़ना नहीं है आपने। ये नहीं कि बी पे आप पहुंचे और आपने केवल ये देखी, इन दोनों में से मिनिमम जो था उसको एक्सेस कर लिया, ऐसा नहीं करना है। जो पुरानी आपकी छूट चुकी है, किसी वर्टेक्स की एज जो छूट चुकी है, उसे भी आपने काउंट करना है। अगर वो मिनिमम होती है तो उसे लेना है आपने एज अ स्पैनिंग ट्री में उसकी एज। तो नेक्स्ट जो हो जाएगी आपकी, अगर हम लोग इन तीनों में से काउंट करें, तो ये 3 जो है मिनिमम है, यानी ये चला जाएगा सी के पास, यानी ये 3 वाली हमारी काउंट हो चुकी है। अब हमारे पास बची हुई है अभी 8 बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है, 8 और 6 बना हुआ है। अब सी की बात करते हैं, तो सी से हमारी कौन कौन सी एज है, आउटगोइंग एज है आपकी, एक तो ये 4 है और एक 3 है, यानी यहां पर जो आउटगोइंग एज आई आपकी 4 और 3 आ चुकी है, और वो दोनों पुरानी आपकी रहेंगी। जो ए की एक एज बची थी वो रही है, और बी की जो एज बची थी वो भी क्या रही है आपकी, अभी रही हुई है। तो इनमें से आपको मिनिमम काउंट करनी है, इन 4 में से आप मिनिमम कौन सी, तो मिनिमम 3 वाली है, यानी हमारी जो एज बन जाएगी वो बन जाएगी ये 3 वाली, यानी हम पहुंच चुके हैं ई के पास, यानी ये 3 हमारा आप यहां पर एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट अब ई की हम आउटगोइंग एजेस देखेंगे, तो ई की आउटगोइंग एजेस है 2 एंड ये 2, यानी ई डी है और ई एफ है, यानी यहां पर 2 और 2 आ रहे हैं। तो इन दोनों में से आप किसी भी एक को काउंट कर सकते हैं दोनों में से। तो हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं इस डी वाली को। तो अगर हम डी के पास गए, तो यहां पर पहुंचे हम, और ये वैल्यू हो गई 2।
पुरानी जितनी भी एजेस हैं वो हमारी काउंट होंगी, यानी ए की एक बची हुई है 8, बी की बची हुई है 6, आपकी सी से आउट गोइंग एज है ये 4 बची हुई है, और ई से आउट गोइंग एज अभी 2 बची हुई है। अब डी की आउट गोइंग एजेस की बात करें तो हमारे पास केवल 5 है और वैल्यू हमारी हो चुकी है एक्सेस, तो डी से हमारी क्या है 5 है। तो उस कंडीशन में हम लोग अगर मिनिमम की बात करें तो ये 2 है, यानी 2 किससे है, ई से एफ के बीच में है ये 2, तो यहां पर हमारी क्या बन जाएगी, ये 2 हमारा एक एज जो हो जाएगी वो काउंट हो जाएगी। तो अब देखें तो इसमें सारे वर्टेक्स हमारे कवर हो चुके हैं, ए भी हो चुका है, बी भी हो चुका है, सी डी ई और एफ, ये सारे वर्टेक्स कवर हो चुके हैं। और वर्टेक्स की बात करें तो टोटल वर्टेक्स जो है वो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्टेक्स हैं। तो एजेस हमारी होनी चाहिए वर्टेक्स माइनस 1, तब ये मिनिमम स्पेलिंग ट्री कहलाएगा। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5, और यहां पर भी वैल्यू आपकी आ रही 6 माइनस 1 यानी 5, तो ये जो जनरेट हुआ वो हमारा क्या बन गया, एक मिनिमम स्पेनिंग ट्री बन गया है। और जिसका जो वेट है टोटल सम जो है वो कितना आ रहा है हमारा, 7 प्लस 3 10 10 13 14 15 16 17, तो ये आपका बन गया एक मिनिमम स्पेनिंग ट्री थ्रू प्रिम्स एल्गोरिथम। तो सिंपल हमें याद रखना है, प्रिम्स एल्गोरिथम में किसी भी एक वर्टेक्स को एज आप रूट वर्टेक्स बना सकते हैं, जरूरी है ए को ही बनाना है, आप सी से स्टार्ट कीजिए, एफ से स्टार्ट कीजिए, किसी से भी आप लोग किसी भी वर्टेक्स को रूट वर्टेक्स बना सकते हैं। उसके बाद आपने चलना है नेक्स्ट वर्टेक्स के पास, देखना है कितने उससे एजेस जो है वो कनेक्टेड है, मिनिमम वाली एज को आपने एक्सेस करना है, और पुरानी एजेस को भी एज अ काउंट करके चलना है, अगर वो मिनिमम होती है तो उसी को क्या करना है, एक्सेस करना है। तो ये आपका प्रिम्स एल्गोरिथम था। थैंक यू फ्रेंड।